हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोग आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन के लॉज। ठीक है, लॉज ऑफ न्यूटन। ठीक है जी, क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम? लॉज ऑफ, या इसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन के गति के नियम। गति के नियम। आइए एक एक करके हम इसके तीनों नियमों को जानते हैं बच्चों, और इन तीनों नियमों को डिटेल में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, न्यूटन के तीन लॉ हैं, जिसका पहला लॉ है क्या भाई? पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया, हिंदी में इसका नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम है इसका? जड़त्व का नियम। ठीक है जी बच्चों, अब इस जड़त्व के नियम में हमें क्या पढ़ना है और क्या कहना है इसके बारे में, ये सारी चीजें हम एक एक करके जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, लॉ ऑफ इनर्सिया में, जड़त्व के नियम में कहना होता है और बताना होता है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो कोशिश करती है कि मैं हमेशा मोशन में रहूं। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हमेशा वो यही कोशिश करता है कि मैं हमेशा किस पे रहूं? रेस्ट पे रहूं। जैसे अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो मूव कर रहा है, तो हमेशा क्या कोशिश करता रहेगा कि भाई मैं मूव ही करता रहूं। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, कोई बाह्य बल काम ना करे, क्योंकि जैसे ही बाह्य बल काम करेगा इसके ऊपर, तो हम क्या देख पाएंगे कि बाह्य बल के इसके ऊपर काम करने की वजह से ये रुक गया। या अगर कोई रुकी हुई चीज है और इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स यूज करें, बाह्य बल यूज करें, तो हम क्या देखेंगे कि ये अपनी प्लेस से खिसकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बच्चों किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे, मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे, गतिमान वस्तु को देखोगे, गतिमान वस्तु को देखोगे, तो क्या करेगा? अपनी पोजीशन से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो वो ऑब्जेक्ट रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो यानी हमने क्या देखा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को की कोशिश होती है कि वो हमेशा क्या रहे, चलता ही रहे, मूव करता ही रहे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो रुक रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही वो स्टॉपेज उसके पास से आप हटाओगे, जैसे ही वो स्टॉपेज हटाओगे, वो वापस मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, और उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम भाई थोड़ा सा खिसका दें, मूव कर दें, और फिर से ये फोर्स हटा ले, तो ये वापस किस में आ जाएगा बच्चों? रेस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाई हम लोगों ने कोई रबड़ है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बंधा हुआ है, और रबड़ मैंने यहाँ से ऐसे खींच लिया। अब मैं क्या करूँ भाई, इसको छोड़ू और फिर बीच में यहाँ से पकड़ लूँ, तो क्या देखूंगा मैं कि एकदम से मूव हो गया, फोर्स की वजह से फिर रुक गया, लेकिन फिर फोर्स छोड़ूंगा, वापस रबड़ वहां जाके चिपक जाएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो वो रुक जाता है, लेकिन हट जाए तो वापस किस में चला जाता है? अपने मोशन में। उसी तरीके अगर किसी रेस्ट पोजीशन में को रेस्ट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव करवाया जाए, और फिर से ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दे, हटा दे, तो ये वापस किस पे आ जाएगा? वापस रेस्ट पे आ जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से गाड़ी चल पड़े,
तो गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं कैसे, रेस्ट पोजीशन में, लेकिन जैसे ही गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो आप पीछे हो जाते हैं सारे के सारे, यानी एकदम से मोशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो फोर्स थोड़ा कम होता है, वापस आप अपने कहाँ पर आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है भाई इसको? जड़त्व का नियम। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं? तो फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं एक एक करके कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिखवाता हूँ। हाँ जी, चलिए जरा एग्जाम्पल्स लिखेंगे भाई, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया कौन है, जड़त का नियम कौन है, कि एक गतिमान वस्तु हमेशा गति में रहने की कोशिश करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूव रहने की कोशिश करता है, और एक विराम अवस्था का ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, तब तक जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगते ही वो क्या करने लगेगा, मूव या रेस्ट, और जैसे ही वो फोर्स हटेगा वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेट कर लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया, जड़त का नियम। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखिए पहला, जैसे रुकी हुई गाड़ी का अचानक से चलना, लिख लीजिए रुकी हुई गाड़ी का अचानक से चलना। जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई अचानक चल जाएंगे तो फिर क्या होता है, पीछे हो जाते सारे के सारे पैसेंजर। दूसरा, चलती हुई गाड़ी का अचानक से ब्रेक लगना, क्या होता है अगर अचानक से, भाई मान लो गाड़ी स्पीड में है 50-60 की स्पीड में और एकदम से ब्रेक लग जाए तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो चलती हुई गाड़ी का अचानक से ब्रेक लगना, लिख लीजिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट नेक्स्ट, वो हथौड़े का हत्था सुना आपने, वो हथौड़ा होता है, वो हथौड़ा होता है, उसका हत्था होता है, उसको अगर जमीन पे मार दें तो ऊपर का हथौड़ा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। आप कभी देखना अगर हथौड़ा ढीला हो जाता है तो आप देखना जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उनको देखना हथौड़े को टाइट कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, जोर से हत्थे को, हैंडल को, जो हत्था होता है, हैंडल होता है, उसको जोर से जमीन पे मारते हैं तो ऊपर का जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, वो टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ही उसको हमने उस पे मारा तो क्या था, रेस्ट में था वो, लेकिन जैसे ही हमने मारा मोशन में आ गया, और फोर्स जैसे ही खत्म हुआ वो वापस किस में आ गया, रेस्ट में, और उसी के बलबूते उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो उसमें क्या हो गया, टाइट हो गया। ठीक है, तो लिखिए ढीले हैमर को टाइट करने के लिए, ढीले हैमर को टाइट करने के लिए हैंडल को जोर से जमीन पे मारा जाता है। ढीले हैमर को टाइट करने के लिए हैंडल को जोर से जमीन पर मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। हाँ जी, अब जैसे ठंड वगैरह आने वाली है, आप लोग कंबल निकाल लेंगे, तो कंबल निकालेंगे तो कंबल को अगर पीटेंगे, वैसे तो सब धो के रखते हैं लेकिन फिर भी एक पल के लिए मम्मी क्या करती हैं कि कंबल को निकाल के धूप में रख देती है, कि अगर उसमें थोड़ी बहुत, जैसे लोग तो आजकल नीम वगैरह रख देते हैं तो बदबू नहीं होती है उससे, किसी तरह के छोटे मोटे इंसेक्ट नहीं उसमें आते, लेकिन फिर भी लोग धूप दिखा देते हैं, तो धूप दिखाएंगे या उसे पीटेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम किसी कंबल को, दरी को या मैट को जब हम छड़ से, रॉड से, डंडे से पीटते हैं तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। किसकी तरफ गिरने लगते हैं? नीचे की तरफ। यानी जैसे ही हमने पीटा, डस्ट पार्टिकल नीचे, और नीचे आके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि डस्ट पार्टिकल लगातार कहाँ आ रहा है, नीचे आके बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा। पहले जब तक वो मैट के अंदर थे, रेस्ट पोजीशन में थे, जैसे ही फोर्स लगा मोशन में आए, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरे वापस रेस्ट में हो गए। तो इसी को हम कहते हैं जड़त का नियम। तो लिख लीजिए, कंबल को डंडे से पीटना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का नीचे गिरना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का नीचे गिरना। ठीक है जी, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का नीचे गिरना। ठीक है, चलिए अगला। ये भी हो सकता है कि पानी वाला जो गिलास होता है, ऐसे पानी का गिलास होता है ऐसे, इस पे कार्डबोर्ड रख दीजिए और इस पे ये कॉइन रख दीजिए, सिक्का। तो हम क्या देखते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासों में प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है क्या, कि अगर इस कार्ड को हिट करूं तो कार्ड, देखना कार्ड जो होगा वो यहाँ से खिसक जाएगा और जो कॉइन होगा वो नीचे आके यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये भी बच्चों एक जड़त का नियम है। मतलब क्या,
कि जैसे ही मैंने इस कार्ड को हटाया, कार्ड हट गया, लेकिन कॉइन जो था वो रेस्ट पोजीशन में था और उसने कोशिश की कि मैं रेस्ट में ही वापस रह जाऊं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही फोर्स हटा इसके ऊपर एक नया फोर्स लगा ग्रेविटी का, जिसकी वजह से ये नीचे गया और नीचे जाने के बाद वापस दो चार बार उछल के वापस क्या आ गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे जरा इसको, लिखेंगे पानी के गिलास पर, पानी पानी के गिलास पर पोस्ट कार्ड रख कर पानी के गिलास पर पोस्ट कार्ड रख कर कॉइन को प्लेस किया जाए, कॉइन को रखा जाए और कार्ड को हिट करने पर उस पर रखे कॉइन पर जड़त्व का नियम लगता है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ये पूछ ले आपसे, अगर आपसे ये पूछ ले कि कार्ड के ऊपर ये सिक्का रखा हुआ है, ठीक है जी, कार्ड के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये सिक्का रखा हुआ है, ठीक, और अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ कि सिक्का किसके कारण, सिक्का यहाँ पे किसके वजह से चीर के इसको नीचे नहीं आ रहा है, किसकी वजह से सिक्का कार्ड के ऊपर टिका हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन है कि भाई सिक्के को जब मैंने कार्ड के ऊपर रखा तो ये किसकी वजह से सिक्का अभी भी कार्ड के ऊपर रखा हुआ है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि भाई ये उसको चीर फाड़ के नीचे आ जाए, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है, लगातार उसको खींच रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करता कि कार्ड को चीर के वो गिलास में गिर जाए, उसके ऊपर लगातार क्यों रखा हुआ है, तो क्या बताओगे भाई, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्सिया तो लगेगा नहीं, इनर्सिया तो तब लगेगा जब मैं कार्ड को हिट करूंगा, कार्ड निकल जाएगा और सिक्का नीचे गिर जाएगा, तो लगना क्या चाहिए फोर्स, किस फोर्स की वजह से वो इसके ऊपर टिका हुआ है, जल्दी बताओ। बताओ, तो देखो बच्चों, इसके ऊपर ना दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, कितने कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, दो तरह के फोर्स, कौन कौन से फोर्स, एक तो ग्रेविटी का और एक भाई क्या, एक ग्रेविटी का और एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स जो इसको रोके हुए हैं, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी का फोर्स और कार्ड से लगने वाला फोर्स, कार्ड के ऊपर ये रखा हुआ है, इस पे लगने वाला फोर्स, और ये मारकर नीचे नहीं गिर रहा है, तो क्या भाई ग्रेविटी और इस हाथ का फोर्स दोनों इसके ऊपर बिल्कुल बैलेंस रूप में लगा हुआ है, इसी वजह से ये सिक्का भाई कहाँ नहीं गिर रहा, नीचे नहीं गिर रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया फटाक से टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्सिया और ग्रेविटी दोनों इसके ऊपर संतुलित रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला अगला भी एग्जांपल लिखेंगे कि पेड़ की टहनी को जब जोर से आप हिलाएंगे तो फल गिर जाते हैं, पेड़ की टहनी को अगर आप जोर से गिराएंगे तो क्या करेंगे भाई, फल उस पे क्या हो जाते हैं भाई, जमीन पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लूं, तो इसी के साथ बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ खत्म, अब लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं भाई। लिखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चों, लिखिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, पहले लिखिए इसके बारे में, लिखो वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन की दर में रेट ऑफ चेंज
में परिवर्तन की दर में रेट ऑफ चेंज और उस पर लगने वाले फोर्स और उस पर लगने वाले फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, अब देखो, हाँ तो देखो सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है बच्चों। सेकंड लॉ आपसे कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, फोर्स, तो फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेटेड है, वो मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स भी लगेगा। जैसे भाई मान लीजिए, ये भाई मान लीजिए कोई पर्सन है, ये पर्सन है, ये एक सामने पर्सन है, यानी रेसलर है, दोनों रेसलर हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई कि जैसे इस रेसलर ने इसको हिट किया, इस रेसलर ने इसको क्या किया, हिट किया, तो फोर्स उस तरफ लगेगा जिस तरफ, अब जैसे हाथ उसने इस तरफ चलाएगा, तो इसने क्या किया भाई, अब हाथ में इसके क्या है, वेट है, मास है, ये पूरा क्या है, मास है, ठीक है, इसमें वेट है। अब इसने सामने हिट किया, तो जैसे ही वो सामने हिट करेगा तो इसको हिट हुआ, सामने वाले रेसलर को हिट हुआ, तो सामने वाले रेसलर को जैसे ही हिट होगा तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमने इसको हिट किया, ये वाला, जैसे ही हमने क्या किया, इसको हिट किया, हिट करते ही डायरेक्शनल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, तो इसका मोमेंटम भी किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा। मतलब अगर हम किसी किसी भी रेसलर से फाइट कर रहे हैं, कोई दो रेसलर आपस में फाइट कर रहे हैं, तो अगर वो इधर की तरफ हिट कर रहा है तो बंदा भी उसी तरफ गिरेगा, बंदा भी क्या गिरेगा, उसी तरफ गिरेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने उसको इधर की तरफ हिट किया तो उसका मोमेंटम, फोर्स ऑफ मोमेंटम भी किस तरफ गया, उसी तरफ। जैसे आप लोग बॉल कैच करते हैं, तो आप कैसे करते हैं कैच, जैसे बॉल कैच आए तो आप ऐसे नहीं कि बॉल इधर से आ रही है और आप हाथ करके ऐसे कैच कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करते। कैच कैसे करते हैं, अगर बॉल ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे कैच करते हैं और हाथ को नीचे लेके जाते हैं। मतलब मास, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जिस तरफ मोमेंटम है, जिस तरफ उसका डायरेक्ट फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, उसी तरफ हम क्या करते हैं, हाथ की मोमेंटम लेके जाते हैं, ठीक है, उसी तरफ हम अपने हाथ की दिशा को भी लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों याद रखना कि जब भी किसी भी चीज पे फोर्स लग रहा हो तो उसका मास और उसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या लिखवाया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एम मास वाला ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एम मास वाला ऑब्जेक्ट है और उस पे एफ फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, एफ फोर्स लगाना है, तो भाई हमें ए क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा, उसी के डायरेक्शन में क्या बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका ये है अर्थ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब क्या कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो लगने वाला फोर्स भी कम होगा, ठीक है। और यहां पर बच्चों मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना क्या होता है, स्थिरांक होता है, ठीक है, ये अपना फिक्स होता है, इसके चेंज होने ना चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना पता है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, ठीक है, फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, अब जैसे मान लो, ठीक है, ये कर लिया, अब जरा देखिए, अब हमने सीखा कि
कि एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है तो फोर्स ज्यादा हो रहा है, और एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या हो रहा है, कम। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए भाई रेसलर यहां पे खड़ा है, एक सामने रेसलर खड़ा है, अब दोनों के बीच में भाई लड़ाई हुई है लेकिन मार नहीं रहे एक दूसरे को, तो क्या किसी पे भी फोर्स अप्लाई होगा? जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने वाला पर्सन एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, सामने वाला पर्सन एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा। तो जब एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा तो भाई मास क्या बिगाड़ लेगा? भाई मेरे हाथ में मास है, मेरे को सामने वाले को हिट करना है, तो भाई जब तक मैं हिट करूंगा ही नहीं तो सामने वाले का बिगड़ेगा क्या? वो तो वैसे का वैसे ही खड़ा है, मैं ऐसा करके खड़ा हूँ भाई कि हाँ भाई अरे आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप मेरे से रेसल करने आए हो, आप मुझसे रेसलिंग करने आए हो, एक काम करो आप चले जाओ, वो बेल्ट मैं ले लेता हूँ। तो मैं क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जी फोर्स जीरो होगा कब? अगर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है तो, ठीक है। और अब कहेगा कोई बच्चा कि मान लीजिए मास जीरो हो जाए, अरे जी मास जीरो हो गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मास जीरो हो गया, अगर मास जीरो हो गया तो सामने वाला फिर इसका मतलब है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो काम किसके लिए कर रहे हैं हम? किसी भी चीज के लिए नहीं। तो यानी फोर्स हमारा तभी जीरो हो सकता है जब एक्सेलरेशन भी क्या हो बच्चों, जीरो हो जाए। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए अगला लिखिए, बल के मात्रक यूनिट्स ऑफ फोर्स। लिखिए बल के मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स। लिखो बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है न्यूटन। क्या होता है फोर्स का ऐसा यूनिट? न्यूटन। और दूसरा क्या होता है? किलोग्राम भार। दूसरा क्या होता है? किलोग्राम भार। ठीक है जी बच्चों, चलिए टॉपिक लिखेंगे मोमेंटम। टॉपिक लिखेंगे मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी मास इनटू में वेलोसिटी। मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुना में वेग, ये होता है मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एम इंटू में वी। पी इज इक्वल टू एम इंटू में वी, ये होता है बच्चों, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब देखिए, अब एक बात याद रखना बच्चों, अगर अब दोनों की बातें करें हम, दोनों की बातें करें तो यहां पे मोमेंटम का मतलब क्या है कि मास इनटू में वेलोसिटी। मतलब क्या? देखो ध्यान से देखना भाई कि यहां पर हमें अगर मोमेंटम के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है? मोमेंटम के बारे में बात करनी है। एक मिनट भाई, वेट करना जरा एक मिनट।
हाँ जी बच्चों, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये याद रखना कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। कैसे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर मास कम है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम। इसी तरीके से यहां पे भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है, और अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम भी क्या है, कम। तो आपको मैं तीन बातें पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्पीड, वेलोसिटी और मोमेंटम, गति, वेग, संवेग, इन तीनों में क्या फर्क होता है? बच्चों गति मतलब कोई इंसान 5 किलोमीटर पर आर के स्पीड से भाग रहा है। वेलोसिटी, जब कोई इंसान 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग रहा है लेकिन डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ या ईस्ट, कोई सी भी डायरेक्शन, ठीक है। और मोमेंटम क्या है कि जब कोई इंसान 5 किलोमीटर प्रति आवर के भाग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है, और उसका मास है 50 kg, उसका मास क्या है, 50 kg, ठीक है। तो बताइए कि हाँ जी कौन क्या क्या है। तो देखिए, अगर सिर्फ स्पीड बताई हुई है तब तो बात ही खत्म, वो स्पीड है। अगर स्पीड प्लस डायरेक्शन है तो इसका मतलब वेलोसिटी है, और अगर स्पीड प्लस डायरेक्शन प्लस मास है, द्रव्यमान है, तो वो कौन होगा बच्चों, मोमेंटम होगा। तो वही चीज है क्या कि भाई मोमेंटम है तभी तो स्पीड जनरेट हुई, तो यानी अगर मास ज्यादा है तो स्पीड अपने आप ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा जैसा फील होगा। अब एक ट्रेन चलती है 50 की स्पीड में और एक बाइक चलती है 50 की स्पीड में, तो आपको ज्यादा तेज देखने में पता कौन लगेगा, ट्रेन। क्यों ऐसा लगेगा, वो बहुत तेज चल रही है। रीजन, क्योंकि मास ज्यादा है, तो उसका क्या लग रहा है आपको कि भाई मोमेंटम ज्यादा है, जबकि किसका मास कम है, हाँ जी बाइक का मास कम है, तो वो आपको कैसा लगेगा भाई, उसकी मोमेंटम कम लगेगी। समझ में आ रही बात, ठीक। इसीलिए अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो मोमेंटम भी ज्यादा होती है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंटम अपने आप ज्यादा हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो मोमेंटम अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, आप टॉपिक लिखिए बच्चों इंपल्स, आप टॉपिक क्या लिखिए, इंपल्स। ठीक है, इंपल्स लिखिए। हाँ जी इंपल्स लिखिए, इंपल्स को हिंदी में कहते हैं आवेग। ठीक है जी, किससे डिनोट करते हैं, जे से। किससे डिनोट करते हैं, जे से। चलिए लिखेंगे जरा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं, मतलब क्या कि इंग्लिश वाले लिखेंगे, इफ सम फोर्स, इफ सम फोर्स वर्क्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ सम टाइम, फॉर अ सम टाइम देन द दे देन देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, देन द फोर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब इम्पल्स मतलब क्या, जे बराबर, हाँ भाई, फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम।
कहने का मतलब क्या है कि भाई जो इम्पल्स है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुकर्मानुपाती है। यानी अगर फोर्स ज्यादा होगा तो इम्पल्स भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो इम्पल्स भी क्या होगा, कम, ठीक है। और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इम्पल्स भी ज्यादा होगा, टाइम कम लगेगा तो इम्पल्स भी क्या लगेगा भाई, कम लगेगा। इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, फिर सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा, फिर कल की क्लास में मैं आप लोगों को थर्ड लॉ भी करा दूंगा और सेंट्रीपिटल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वगैरह ये सब भी करवा दूंगा, ठीक है। तो लिखिए जरा। हाँ जी लिखिए, जैसे सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे पहला, हाँ भाई, इक्वल वेलोसिटी से आते हुए क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेग, इक्वल वेलोसिटी, समान वेग, इक्वल वेलोसिटी, समान वेग से आते हुए क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल में, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल में टेनिस बॉल को कैच करना आसान है, टेनिस बॉल को कैच करना आसान है। क्यों आसान है, लॉजिक सीखो। हाँ जी भाई, मास कम है किसका, टेनिस बॉल का। क्रिकेट बॉल होती है लेदर वाली, भारी, टेनिस बॉल होती है जिससे वो टेनिस जिससे खेलते हैं तो वो हल्की होती है। मास कम है, मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम है तो भाई सीधी सी बात है फोर्स के रिलेटेड ही होता है। तो जब मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम होगा, फोर्स कम है तो इम्पल्स भी कम होगा, और इस तरीके से लगने वाली चोट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मास कम, फोर्स, मोमेंटम कम, जब मोमेंटम ही कम तो फोर्स भी कम, फोर्स कम तो इम्पल्स भी कम, ठीक है जी। लिखिए, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम में देखा अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कीजिए। ठीक है, टेनिस बॉल कैच करना क्या है, आसान। दूसरा, हाँ भाई, दूसरा एग्जाम्पल कि क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है, क्रिकेट प्लेयर कैच करते समय अपने हाथ को बॉल के डायरेक्शन में ही मूव कराता है ताकि चोट कम लगे। लिख लो, क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करते समय, क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करते समय उसी की डायरेक्शन में हाथ को मूव करता है, बॉल की डायरेक्शन में हैंड को मूव करता है, बॉल की डायरेक्शन में हैंड को मूव करता है ताकि चोट कम लगे, ठीक है। अगला अगला एग्जाम्पल, गद्दे गद्दे पर गिरने पर कम चोट लगती है जबकि सीमेंट के फर्श पे गिरने पे अधिक चोट लगती है। गद्दे पे गिरने पे कम फोर्स लगता है यानी कम चोट लगती है जबकि सीमेंट के फर्श पे गिरने पे अधिक चोट लगती है। क्यों लगती है बच्चों चोट, जल्दी बता दो। क्योंकि जब आप गद्दे पे गिरेंगे तो गद्दा क्या करता है, मोस्टली फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, मोस्टली फोर्स क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। देखो भाई आपका मास तो फिक्स है, आप तो सीमेंट पे गिर जाओ, सीमेंट की फर्श पे गिर जाओ तब भी 60 किलो के हो, आप गद्दे पे गिरोगे तब भी 60 किलो के हो, लेकिन गद्दे पे चोट कम लग रही है। क्यों, क्योंकि उसका मोस्टली फोर्स तो क्या कर लेता है, गद्दा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आपके ऊपर, आपका जो यानी कि आपके ऊपर लगने वाला जो वेलोसिटी वो है, मोमेंटम है, वो कम हो जाता है, और मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, इसलिए आपको चोट भी क्या लगती है, कम। लेकिन जब आप सीमेंट पे गिरते हैं तो सीमेंट वाला आपके ऊपर थर्ड लॉ भी अप्लाई कर देता है, वो अपना भी थोड़ा बहुत फोर्स आपको दे देता है जिसकी वजह से आपका फोर्स बढ़ जाता है और लगने वाली चोट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाँ भाई, अब क्या है, गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं, स्प्रिंग। क्यों लगाए जाते हैं, कि अचानक से कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए या गड्ढा आ जाए तो वो देखते हो गाड़ी जंप करके क्या करती है, फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जब फोर्स एब्जॉर्ब करेगी यानी कम फोर्स करेगी तो मोमेंटम कम होगा और आपको झटका कम लगेगा। तो यह लिख दीजिए कि भाई गाड़ियों में शॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में शॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताकि गाड़ी चलाने वाले को झटके कम लगे, गाड़ी चलाने वाले को झटके कम लगे। और लग बताओ। हाँ जी, कराटे खिलाड़ी, देखा होगा आपने कराटे खिलाड़ी, ग्लास, वो क्या नाम है,
स्लैब्स लगते हैं पत्थरों के और उसको एक ही हिट में तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो हिट करते हैं तो इसका क्या है, फोर्स ज्यादा होता है, और जब फोर्स ज्यादा होता है तो मोमेंटम ज्यादा होता है, और मोमेंटम ज्यादा होता है तो इम्पल्स ज्यादा होता है, और इम्पल्स जब तेज रहेगा तो सारे के सारे जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं। तो लिखिए, कराटे खिलाड़ी एक ही प्रहार से, एक ही हिट से सारे, एक ही हिट से सारे सारे स्लैब्स तोड़ देता है, सारे स्लैब्स तोड़ देता है। एक और लिख लीजिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप के अंदर देखते हैं, मिट्टी जो होती है जहां पे कूदता है बच्चा, जैसे भागता हो जाता है और लॉन्ग जंप करता है, कूदता है, तो वहां मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी सी बना दी जाती है, मतलब हल्की कर दी जाती है, ठीक है, उसको खोद दिया जाता है, डिग कर दिया जाता है, ताकि जब वो उसके ऊपर कूदे तो उसको चोट कम लगे। नहीं तो क्या होगा भाई, अगर सीमेंट का होगा तब तो जाके गिरेगा, हाथ पर तोड़वा लेगा, अगले टाइम पे कभी लॉन्ग जंप तो बात की दूर, वो आसपास भटकेगा भी नहीं उस ट्रैक के। क्यों? क्योंकि भाई चोट लग सकती है, तो इसलिए भाई हमेशा वहां पे क्या किया जाता है, उसको खोद के मिट्टी को थोड़ी भुरभुरी टाइप बना देते हैं, हल्के बना देते हैं, ताकि चोट कम लगे। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है, ताकि चोट कम लगे, ताकि चोट कम लगे। ठीक है जी, चलिए, तो आज हम यही फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तक कर लिया हमने, और नेक्स्ट हम लोग कब करेंगे, अगली क्लास में थर्ड लॉ और आगे के भी जो भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।